हेलो दोस्तों, आज का काउंटडाउन बहुत ही ज़्यादा खास है। आज के टॉप 10 काउंटडाउन में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सबसे ज़्यादा बेस्ट टॉप 10 वेब सीरीज़ है जो कि अवेलेबल है हिंदी में। तो सबसे ज़्यादा खास बात है क्योंकि ये अवेलेबल है हिंदी में, यानी कि सारे एपिसोड आपको डब मिलेंगे हिंदी में। और ये आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स में, और ये नेटफ्लिक्स की टॉप रेटेड वेब सीरीज़ें हैं। बस दो सीरीज़ें हैं जो इसमें इंग्लिश में अवेलेबल है, बाकी की टॉप 10 में से टॉप 8 सीरीज़ें जो हैं वो हिंदी में अवेलेबल है। और ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। इसमें एडवेंचर है, फैंटेसी है, क्राइम ड्रामा है, लिटिल बिट न्यूडिटी भी है, तो आपको अकेले में देखनी पड़ेगी। इसके बारे में थोड़ा सा तुम्हें पता ही है नेटफ्लिक्स के बारे में, नेटफ्लिक्स में कभी भी कुछ भी आ सकता है। और ये बेस्ट है अगर आप साईफाई के दीवाने हो। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट बॉक्स में अपनी फेवरेट वेब सीरीज़ें और मूवीज़ों के बारे में हमें ज़रूर बताइए। साथ ही साथ शेयर कीजिए अपने फेवरेट दोस्तों के साथ हमारी टॉप 10 लिस्ट। और हमारी प्रीवियस एडल्ट कंटेंट की मैच्योर कंटेंट सीरीज़ का 5 पार्ट आ चुके हैं, 5 × 6 × 10 × 60 पार्ट्स, यानी कि तो उन्हें देखना तो बिल्कुल बनता ही है। नंबर 10 पे हमारे पास है नेवर हैव आई एवर, टीन ड्रामा कमिंग ऑफ एज पे बनी हुई ये वेब सीरीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और इंडियन ऑडियंस के लिए सबसे खास बात है जो मेन लीड में कैरेक्टर है वो इंडियन है, यानी कि नेटफ्लिक्स की अमेरिकन सीरीज़ के अंदर मेन लीड पे है इंडियन। और ये इंडियन टीन कैसे सर्वाइव करती है एक फॉरेन कंट्री में, ये बहुत ही बेहतरीन और कॉमेडी तरीके से इसमें देखने को मिलेगा। नंबर 9 पे हमारे पास है वाइट लाइंस, एक पर्सन का भाई जो कि एक डीजे है, तो धीरे धीरे परतें खुलती जाती है और ये क्राइम फिक्शन आपको लेके जाती है बहुत ही हाई लेवल पे। हिंदी में अवेलेबल बेस्ट वेब सीरीज़ वाइट लाइंस। I'm doing things that just aren't me. नंबर 8 पे हमारे पास है द स्ट्रेंजर, अगेन हिंदी में अवेलेबल, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री नेटफ्लिक्स में। तो नेटफ्लिक्स में देखने के लिए ये स्टोरी बहुत ही लाजवाब है। अगर आपको सस्पेंस पसंद है, मिस्ट्री पसंद है, तो ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। तो एक कपल की लाइफ में अचानक से गड़बड़ी शुरू हो जाती है जब एक स्ट्रेंजर आके उसे एक इन्फॉर्मेशन देता है। वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती रहती है हर एपिसोड के साथ। नंबर 7 पे हमारे पास है अक्टूबर फैक्शन, तो आपको सुपर नेचुरल कैरेक्टर पसंद है और आपको डीमंस पसंद है, तो डीमन की ये स्टोरी आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर चलेगी। तो अगर आप सुपर नेचुरल ड्रामा में कुछ नया ट्राई करना चाहते हो तो आप अक्टूबर फैक्शन देख सकते हो। नंबर 6 में हमारे सबसे फेवरेट ड्रैकुला, ब्राम स्टोकर की स्टोरी पे बनी हुई ड्रैकुला फिर से मैच्योर कंटेंट के साथ लेकर आए हैं। लेकिन सबसे खास बात है ये सीरीज़ सिर्फ 3 ही पार्ट में अवेलेबल है, यानी कि 3 एपिसोड और सीरीज़ ख़त्म। तो ब्राम स्टोकर की स्टोरी को आप दोबारा से रिलीव करना चाहते हैं तो ये सीरीज़ एकदम मस्ट है और हाईली रेटेड भी है। हमें पता है आप एक साईफाई फ़ैन है और आपको स्टार ट्रैक और स्टार वॉर्स जैसी मूवीज़ हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए लॉस्ट इन स्पेस नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। लॉस्ट इन स्पेस सीरीज़ की कहानी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। ह्यूमैनिटी अगेन इंसानों ने वाट लगाने की तो ठानी रखी है, तो ह्यूमैनिटी क्रैश हो जाती है और एक इंटरस्टेलर टाइप शिप लैंड हो जाता है अचानक से एक अलग ही दुनिया में। इसी पे बेस्ड 2 सीजन्स। नंबर 4 पे हमारे पास अगेन सुपर नेचुरल, और अगर आपको जादू या फैंटेसी सीरीज़ें पसंद है हैरी पॉटर नार्निया टाइप, तो आपको लॉक के एंड की एक बार देखनी ज़रूर बनती है। एक ऐसा घर जहाँ पे बहुत सारी कीज़ है और हर की ओपन करती है एकदम यूनिक दरवाज़ा, और ये दरवाज़ा सिर्फ और सिर्फ एक अलग ही दुनिया में लेके नहीं जाता बल्कि बहुत सारे भूत और पिशाचों को भी हमारी दुनिया में एंटर करवा देता है। नंबर 3 पे अगेन क्राइम ड्रामा ओजार्क। ओजार्क अगर आप एक्टिंग, डायरेक्शन और प्लॉट ट्विस्ट देखना चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट करेंटली चलने वाली सीरीज़ है। नॉट टॉप ऑफ द नॉच बट करेंटली बेस्ट है ये सीरीज़, आप एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं। माई पर्सनल फेवरेट और मोस्ट रिकमेंडेड सीरीज लव डेथ एंड रॉबर्ट, एकदम ही यूनिक कॉन्सेप्ट और डेविड फीचर टीम मिलर का एकदम ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। 18 शॉर्ट स्टोरीज, एनिमेशन और सब कुछ वन ऑफ द बेस्ट। और अगर आप सीरीज़ों के एकदम कीड़े हैं, मतलब आप बिना सीरीज़ देखे रह ही नहीं सकते, तो आपको ये सीरीज़ ज़रूर डाउनलोड करनी चाहिए। 18 एपिसोड जो कि शॉर्ट है, 7 से लेके 16 मिनट के बीच में, तो आप रैंडमली कभी भी देख सकते हैं। तो आज के टॉप 10 नंबर 1 काउंटडाउन पे हमारे पास आती है डार्क, एकदम ही यूनिक सीरीज़। नॉट साईफाई लेकिन टाइम ट्रैवलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से उल्टाया हुआ, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट फ्यूचर, यानी कि एकदम ही टाइमलाइन, जो कि 5 टाइमलाइन सिर्फ एक सीरीज़ में दिखाई गई है। और अगर आप ये सीरीज़ ऑलरेडी देख रहे हैं तो बहुत ही खुशी की बात, क्योंकि 27 जून को इसका सीज़न 3 आने वाला है और ये वन ऑफ द बेस्ट रहने वाला है।
हमारा काउंटडाउन चल रहा है टॉप 10 अडल्ट 18 प्लस कंटेंट का, जिसमें हमने 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो उसे प्लीज मस्ट वॉच है। साथ ही साथ अगर आपको टॉप 10 जाना है जॉम्बीज वैम्पायर और किसी भी मूवीज का, तो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और आने वाले टाइम पे इनके पार्ट्स जल्दी निकलने वाले हैं। साथ ही साथ डिकेड मूवी का काउंटडाउन भी चल ही रहा है, तो इसी के साथ साइनिंग आउट, शेयर मस्ट है।